मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वसई रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने अपनी बीवी को धक्का देकर कथित तौर पर हत्या करने वाले 35 साल के व्यक्ति को महज 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी के अनुसार पेशे से पेंटर मेहदी हसन अंसारी ने 7 साल पहले ही 33 साल की नूरुन्निसा से शादी की थी और इनके 2 बच्चे हैं। अब बीवी की हत्या के मामले में पति मेहदी हसन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा सोचिए, मां की मौत हो गई है और पिता जेल में है, अब इन दोनों बच्चों के साथ क्या होगा, आगे इन मासूम बच्चों का भविष्य क्या होगा। माँ बाप की गलतियों की सजा कहीं ना कहीं इन मासूम को भी मिल रही है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भिवंडी का रहने वाला मेहदी हसन अंसारी अपनी बीवी पर शक किया करता था। उसे बीवी के चरित्र पर बड़ा ही शक था और उसका शारीरिक शोषण भी किया करता था। लगातार हो रहे घर में झगड़ों से तंग आकर नूरुन्निसा रविवार को अपने दोनों बच्चों को लेकर निकली और वसई रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वसई रेलवे स्टेशन पर दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहस होती रही और आखिरकार मेहदी हसन अंसारी ने अपनी बीवी नूरुन्निसा को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अपने दोनों बच्चों को वहां से लेकर ये भागता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को महज 12 घंटे के अंदर ही जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है।